अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे कि स्पेनिश ज़बान के अंदर कुड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है कंडीशनल टेंस के अंदर। यूँ समझिए कि स्पेनिश ज़बान में अगर हमने कंडीशनल टेंस के फिक्र बनाने हों तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे और कौन से रूल फॉलो करेंगे। कल भी मैंने बताया था, कल नहीं, वो थी वुड वाली वीडियो, तो उसमें बताया था कि एक पोदेड वर्ब होती है जिसको हम कुड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं स्पेनिश के अंदर। कुड तो इंग्लिश का लफ्ज़ है लेकिन स्पेनिश के अंदर पोदेड होता है, इसका मतलब होता है कि सकना, कर सकना, ठीक है ना। तो जिस तरह इंग्लिश में कुड का यूज़ करते हैं कंडीशनल टेंस में, वैसे ही हम स्पेनिश में पोदेड वर्ब को थोड़ा चेंज करके कंडीशनल सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे सी अली एस्तुदियाडा पोदरिया पासार एल एग्जामिन, इफ़ अली स्टडीड ही कुड पास द एग्ज़ाम, अगर अली पढ़ता तो वो इम्तिहान में कामयाब हो पाता या हो सकता। तो यहाँ पर जो पोदेड वर्ब थी वो पोदरिया बन गई, जिसका मतलब बना ही कुड, मतलब वो कर पाता या वो सकता। पोदरिया पासार मतलब वो कामयाब हो पाता या वो कामयाब हो सकता था, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर इसी यानी कि पोदेड वर्ब को देखेंगे कि वो किस तरह हर फाइल के साथ इस्तेमाल होगी कंडीशनल के अंदर। तो अगर हमने कंडीशनल फिक्रा बनाना हो जो इल, एजा या कोई नेम हो या फिर उस्तिद के साथ, तो वहाँ पर हम जो पोदेड वर्ब है उसका ई आर हटाकर, यूँ समझे पोदेड वर्ब को हम पी ओ डी आर यानी पोदड बनाकर फिर उसके बाद आई और ए का इजाफा कर देंगे, ये बन जाएगी पोदड़िया, यानी जो एल एजा या कोई नाउन हो या फिर उस्तिद, इन दो पांच, इन पांच फाइल के साथ पोदड़िया इस्तेमाल करेंगे कंडीशनल टेंस के अंदर। तो इसी तरह तू के साथ जब हम इस्तेमाल करेंगे पोदेड वर्ब को कंडीशनल के अंदर तो ये बन जाएगी पोदरियास, ठीक है ना, पोदरियास। इसी तरह नोसोत्रोस और नोसोत्रास के साथ जब हम पोदेड वर्ब को इस्तेमाल करेंगे तो ये बन जाएगी पोदरियामोस, पोदरियामोस। इसी तरह बोसोत्रोस और बोसोत्रास के साथ जब पोदेड वर्ब इस्तेमाल करेंगे कंडीशनल टेंस के लिए तो ये बन जाएगी पोदरियाइस। इसी तरह जब एजोस, एजास और उस्तेदिस के साथ पोदेड वर्ब को इस्तेमाल करेंगे कंडीशनल टेंस के अंदर तो ये बन जाएगी पोदरियान, पोदरियान, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ गई कि जब भी आपने कुड का इस्तेमाल करना है कंडीशनल टेंस के अंदर तो आपने यही जो अभी मैंने बताया है इसी तरह आपने पोदेड वर्ब को तब्दील कर देना है। कंडीशनल टेंस अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारी प्लेलिस्ट दे सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी काफ़ी सारे लिंक्स हैं तो वहाँ पर भी कंडीशनल टेंस की प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने बताया है कि कुड को कैसे कुड कैसे इस्तेमाल होता है, तो कंडीशनल के क्या रूल हैं सब कुछ बताया था। तो एक एग्जांपल है उसी कंडीशनल टेंस में से हमने ली है जो अभी मैंने आपको बताई, सी अली एस्तुदियाडा इफ़ अली स्टडीड, अगर अली पढ़ता, पोदरिया मतलब ही कुड, पासार पास, पोदरिया पासार ही कुड पास, वो कामयाब हो पाता एल एग्जामिन द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम में, तो पोदरिया पासार एल एग्जामिन ही कुड पास द एग्ज़ाम, वो इम्तिहान में कामयाब हो पाता या वो एग्ज़ाम को पास कर पाता इम्तिहान को। तो पोदरिया क्यों बन गई यहाँ पर वर्ब, हमने देखा था कि जो एल एजा या कोई नेम हो या उस्तिद तो उसके साथ आई ए बना देंगे, लगा देंगे पोदर के साथ, मतलब पोदरिया बन जाएगी। इसी तरह दूसरी मिसाल है, सी एंटेंडिएरा लो के दिखो एल मैस्त्रो पोदरिया देसीरते, सी एंटेंडिएरा लो के दिखो एल मैस्त्रो पोदरिया देसीरते, इफ़ आई अंडरस्टूड व्हाट द टीचर सेड आई कुड टेल यू, अगर मैं समझता कि उस्ताद ने क्या कहा तो मैं आपको बता पाता या बता सकता। तो सी एंटेंडिएरा, एंटेंडिएरा
मतलब अगर मैं समझ पाता या मैं समझता लोक के क्या दिखो कहा एल मास्त्रो उस्ताद ने पोदरिया आई कुड देसिरते मतलब टेल, देसिरते मतलब टेल यू। यहाँ पर आखिर में जो देसिर के बाद ते है ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो पोदरिया देसिरते मतलब आई कुड टेल यू, मैं आपको बता पाता या बता सकता। इसी तरह तीसरी मिसाल है इफ़ आई हैड मोर मनी आई कुड बाई ए न्यू कार। मेरे ख्याल में पिछले जो वुड का इस्तेमाल था उस वीडियो में भी यही फिक्रा इसी तरह से मिलता जुलता था। तो इफ़ आई हैड मोर मनी आई कुड बाई ए न्यू कार, ये मैंने इंग्लिश पहले पढ़ दी, पहले स्पेनिश पढ़ते हैं। सी तू बेड़ा मास दिनेड़ो पोदरिया कोम्प्रार में उन कोचे नुएवो। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं एक नई कार खरीद पाता या खरीद सकता। इफ़ आई हैड मोर मनी आई कुड बाई ए न्यू कार। यहाँ पर भी पोदरिया है जो कि इस्तेमाल के इसलिए हो रहा है जो के साथ, मतलब मेरे के साथ, मतलब मैं के साथ। सी तू बेड़ा मास दिनेड़ो अगर मेरे पास पैसा होता, इफ़ आई हैड मोर मनी पोदरिया कोम्प्रार में मैं खरीद सकता उन कोचे नुएवो एक नई कार। तो ये था आज का लेसन जिसके अंदर हमने ये सीखा कि कुड को हमने हर फाइल के साथ कैसे इस्तेमाल करना है कंडीशनल टेंस के अंदर। तो एग्जांपल्स भी हमने देखी, सिर्फ तीन हमने देखी हैं, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि कंडीशनल टेंस जो था उसकी आपके पास प्लेलिस्ट मौजूद है वहाँ पर। अब आपको इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी कोड को इस्तेमाल करने के लिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़।